सेवा जोहार सगजन। तो चलिए सगजन, आज लेके आया हूँ गोंडवाना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अपने धर्म की बात। प्रश्न, गोंडवाना के धर्म गुरु कौन है? पहंदी पारी कुपाल लिंगो। गोंडवाना के आराध्य पेन कौन है? फड़ा पेन, और उन्हीं को परसा पेन, सिंगाबोंगा पेन, आंगा पेन और बड़ा देव कहते हैं। गोंडवाना में कितने लिंगो हुए? 88 लिंगो। गोंडवाना के निवासी कौन से धर्म मानते हैं? गोंडी धर्म। गोंडवाना की मुख्य संस्कृति को क्या कहते हैं? कोया संस्कृति। गोंडवाना के मूल निवासियों की मातृभाषा कौन सी है? गोंडी भाषा। गोंडवाना के धर्म चिन्ह बताएं, सल्ले गांगरा। गोंडवाना के राज्य चिन्ह बताएं, गज पर सवार सिंह। कचारगढ़ कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कचारगढ़ को गोंडी में क्या पुकारा गया है? काचीकोपा लोहागढ़। पावन भूमि कोयापुनेम गोंडी धार्मिक तीर्थ धाम कहाँ स्थित है? काचीकोपा कचारगढ़। कचारगढ़ का जात्रा मेला कौन से महीने में लगता है? माघ महीना के पूर्णिमा को। धर्म माता रातार जंगो का स्थान कहाँ स्थित है? कोयली कचारगढ़। 33 कोट अर्थात जो राजा हुए, जो बावनगढ़ में पूरे राज किए हैं, उनकी माता कौन है? माता कली कंकाली और माता रतार जंगो। और जितने भी बच्चे थे वो सब अनाथ थे, जैसे उनके बच्चे का जन्म हुआ उस समय में अगर उनकी माँ जो है वो ख़त्म हो जाती थी, मतलब कि पेन बन जाती थी, तो उसके घर वाले उस बच्चे को घर से निकाल देते थे कि तूने अपने माँ को खा दिया। और वैसे ही जैसे कि कोई स्त्री रहती थी अगर शादी के बाद उसका पति मर जाता था तो उसे भी घर से निकाल दिया जाता था, क्योंकि उसे समाज वाले बोलते थे कि इसने अपने पति को खा दिया। तो वैसे वैसे जितने भी घर से निकाले हुए रहते थे, समाज से बहिष्कृत रहते थे, उनको माता रतार जंगो ने अपने आश्रम में शरण दिया। क्योंकि जब माता रतार का शादी हुआ, तब शादी के एक दिन बाद उनके पति को सांप ने काट लिया, तो उनके पति का देहांत हो गया। तो उसके बाद से उस राज्य वाले ने जंगो माता को कहने लगे कि इसने अपने पति को खा दिया ऐसे करके। तो इस वजह से उसे समाज ने ऐसे नज़रों से देखा, तो उसने अपने उस हीन भावना को समाज सेवा में लगाने के लिए आगे आ गई। उसके बाद 15 है, महान संगीतज्ञ वादक का नाम क्या है? हीरा सुखा। गोंडी धर्म के महामंत्र क्या है? जय सेवा मंत्र। गोंडियन धार्मिक मान्यता किस पर आधारित है? प्रकृति सिद्ध प्रकृति शक्ति पर। गोंडवाना के प्रथम आदि गुरु कौन है? आदिदेव शंभुसेक। गोंडवाना राज्य के झंडा को क्या कहते हैं? सप्तरंगी झंडा। जो इंद्रधनुष ऊपर में बनता है, जिसे कोई नहीं बना सकता, वही है। गोंडवाना के शुभ अंक क्या है? गोंडवाना का शुभ अंक 750 है। साधार सेवा जोहार सगजन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है सगजन। और इस वीडियो को अपने परिवार सगजन और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। सेवा जोहार, पुरुल जोहार, गोटुल जोहार सगजन।